Hello students, I am back with the another video of Gujarat Board and this time the lecture is of economics and chapter जो है वो है poverty and unemployment जो कि काफी ज्यादा lengthy chapter है और students को काफी ज्यादा difficulties भी आती है इस chapter को याद करने में because the topics are very lengthy. तो अब हम समझते हैं poverty and unemployment. सबसे पहले हम बात करेंगे poverty की, only पहले हम बात कर रहे हैं poverty की, फिर poverty के जितने भी topics है वो हो जाएंगे, उसके बाद हम unemployment के topics देखेंगे. तो सबसे पहला हम समझते हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन. तो देखते हैं क्या लिखा गया है. अ पर्सन हु इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स. जो पर्सन जो है, जो पीपल जो है, वो अपनी बेसिक नीड्स भी, रोटी कपड़ा और मकान, क्लोथिंग ड्वेलिंग और ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज है, एजुकेशन, फूड, क्लोथ, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम पुअर कहते हैं एज पर द डेफिनेशन. सच अ सिचुएशन, और अगर बहुत सारी पूरी बड़ी सिचुएशन है तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी. और ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये हमें बताता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है कम है. तो हमें अच्छे से याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी, ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. तो इसको शॉर्ट में अगर हमें याद रखना है तो सबसे पहला वो लोग पुअर कहलाते हैं जो कि अपनी बेसिक नीड्स, जो एसेंशियल नीड्स जिसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं पुअर. नेक्स्ट, यही चीज बेसिक चीज नीड्स में क्या क्या आ गया, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, जो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं वो हो गए पुअर. और सिचुएशन अगर ये बहुत ही लार्ज स्केल पर है तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी. एंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्वालिटी बताते हैं हमारी इकोनॉमी की. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. हमें ये एग्जाम में काफी बार पूछते हैं और हमें टेक्स्ट बुक के पीछे भी दे रखा है कि जो पीपल जो है, जो कि पुअर है या पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स हैं. तो सबसे पहला आपको दे रखा है जो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पाए, जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, तो उसे हम पुअर कहेंगे. नेक्स्ट, पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेवलिंग प्लेस, मतलब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है. डेवलिंग का मतलब होता है रहने का घर, तो उसके पास रहने के लिए शेल्टर या घर भी नहीं है, वो फीचर है पुअर का. नेक्स्ट, दे आर फोर्स टू लिव, अब बिकॉज उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो उन्हें झोपड़पट्टी एरिया में काफी शैबी या काफी गंदगी वाले इलाके में रहना पड़ता है, तो दे आर फोर्स टू लिव इन अ शैबी और स्लम एरिया. नेक्स्ट, उनकी इनकम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा होती है कि हम इतना कम काम करेंगे, वर्क करेंगे, लेबर करेंगे, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है. नेक्स्ट, उनका लाइफ स्पैन की बात करें तो इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसका मतलब ये है जो इंडिया में पीपल है जिनको हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, डॉक्टर की फैसिलिटी मिल जाती है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा जीते हैं, लेकिन पुअर पीपल जो है उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज जो है वो नहीं ले पाते, इसलिए उनकी डेथ भी जल्दी होती है. नेक्स्ट, जनरली वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, उन्हें कोई भी एजुकेशन के प्रोविजन जो है वो नहीं मिल पाते. नेक्स्ट, वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बहुत बिकॉज उन्हें अच्छा फूड नहीं मिल पाता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो बहुत सारे डिजीजेस से ही सफर करते हैं, ना ही उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज टाइम पर मिल पाती है. नेक्स्ट, यहाँ पर जो बहुत सारे एक तो बच्चे होते हैं उनके घर में, और जो छोटे छोटे बच्चे जहां पर उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं अपने ब्रदर और सिस्टर, अपने से छोटे ब्रदर और सिस्टर के केयरिंग के लिए, बिकॉज जो फैमिली मेंबर्स है, जो पेरेंट्स जो है वो काम करने जाते हैं, लेबर वर्क करने जाते हैं, तो इसीलिए छोटे बच्चे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने भाई बहन या सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट, डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, उन्हें बैलेंस डाइट फूड जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है. तो अब देखिए आपको एकदम शॉर्ट में कैसे याद रखना है पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसके फीचर्स हमें यहाँ पर दे रखे. तो सबसे पहला फूड से रिलेटेड हमने देखा था, उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, माल न्यूट्रिशन से वो सफर करते हैं, लैक ऑफ फूड होता है और इनकी डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है. शेल्टर की बात करें तो अनअवेलेबिलिटी रहती है, वो ड्वेलिंग प्लेस जो है वो घर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उन्हें जबरदस्ती शैबी एरियाज में रहना पड़ता है. एजुकेशन की बात करें तो जनरली वो इलिटरेट होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती है और उनकी इनकम जो है वो काफी ज्यादा कम होती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ही कम होती है. और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो बिकॉज बच्चे के पेरेंट्स जो है वो लेबर वर्क करने जाते हैं, तो जो सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके ऊपर आ जाती है. तो ये था फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. अब हम देखेंगे
गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स डाले ताकि के पुअर पीपल जो है इंडिया में पॉवर्टी कम हो और पुअर पीपल जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आगे बढ़े। तो सबसे पहला देखिए आपको दे रखा है जो भी इनकम होती है पुअर की वो काफी कम होती है और ऐसे फैमिलीज को अंत्योदय फैमिलीज बोला जाता है या पीपीएल पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज गवर्नमेंट जो है वो सर्वे करती है और फैमिलीज को ढूंढती है कौन कौन से फैमिलीज जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और उनके लिए वो प्रोग्राम स्टार्ट करती है स्कीम स्टार्ट करती है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या स्कीम जो है वो चालू करते हैं ताकि कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाया जाए। और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चालू करते हैं उन शॉप को जहां पर फिजिबल रेट में या रीजनेबल रेट में उन्हें खाना मिलता है तो वो होता है फेयर प्राइस शॉप या आपने सुना होगा राशन शॉप राशन की दुकानें। ये पीडीएस के थ्रू उन्हें फूड दिया जाता है। एवरी मंथ दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट लाइक राइस हो गया वीट हो गया शुगर हो गया इन सबसे रिलेटेड इनको एकदम सस्ते में फूड जो है वो ग्रीन जो क्रॉप जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो पुअर पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफी बढ़ जाए। अब हम देखते हैं एकदम शॉर्ट में जो जिनकी इनकम लेस होती है उन्हें अंत्योदय फैमिली या पीपीएल बोला जाता है और इनके लिए गवर्नमेंट जो है वो पीडीएस सिस्टम लेकर आए। उसके अंदर फेयर प्राइस शॉप के बारे में देखा उन्होंने गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप जहां पर उन्हें सस्ते में राइस वीट शुगर केक को दिया जाता है और गवर्नमेंट ने ट्राई करी है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफी बढ़ जाए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो है पॉवर्टी का वो लेकर आए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं WHO जो है वो पॉवर्टी एस्टिमेट कौन कौन से फैक्टर से करती है। जब भी वो कैलकुलेट करती है एस्टिमेट करती है पॉवर्टी तो वो ये सारे पैरामीटर्स या फैक्टर्स को ध्यान में रखती है। लोग जो है वो फूड पे कितना एक्सपेंसेस या खर्चा कर पा रहे हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं खाना या नहीं। नेक्स्ट क्लोथिंग में वो कितना खर्चा करते हैं अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह ड्वेलिंग प्लेस जो है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। एजुकेशन उन्हें मिल पा रही है हेल्थ स्टेटस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज उनके एरिया में मिल पा रही है या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सैनिटेशन जो टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज है वो अच्छी है या नहीं या वो शैबी एरियाज में या डर्टी एरियाज में रह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एंड इनटेक ऑफ कैलोरीज मींस वो कितना खाना जो है वो खा रहे हैं बैलेंस डाइट खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो जब भी WHO जो है इन सबको कैलकुलेट करती है पॉवर्टी को कैलकुलेट करती है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो कैलकुलेशन करते हैं कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिटरमाइन किया जाता है और उसे हम बोलते हैं एक फिक्स जो एक्सपेंडिचर जो है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो हम देखते हैं किस तरीके से पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहला देर आर टू वेज हमें अच्छे से याद रखना है अगर कोई पर्सन पुअर है या नहीं है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या अबव द पॉवर्टी लाइन है वो दो तरीकों से मेजर किया जाता है। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स एक पर्सन जो है या एक फैमिली जो है वो कितना खर्चा कर पा रही है वो कितना एक्सपेंसेस अफोर्ड कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। तो इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर जो भी फैमिली कर रही है वेरियस सर्विसेज और कॉमोडिटीज में वो मेजर की जाती है और इस खर्चे या एक्सपेंडिचर के बाद गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है अ पॉवर्टी ऑफ अ फैमिली। और हमें एकदम अच्छे से याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर हम यहाँ पर फैमिली की बात कर रहे हैं तो एक फैमिली में कैलकुलेशन पर्पस के लिए 5 मेंबर्स जो है उसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स को हम फैमिली बोलते हैं। इनकम मेथड की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन की कितनी इनकम है उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है एक पर्टिकुलर फैमिली की। तो इन दिस मेथड द इनकम अर्न बाय द फैमिली इज मेजर्ड और फिर इनकम के हिसाब से वो कितना इनकम अर्न करे उसके हिसाब से पॉवर्टी का एस्टिमेशन दिया जाता है। और इनकम जो है ये यही चीज सेम लिखी गई है इनकम मेथड में भी हम फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी। देखो आपको एकदम इजीली 2 मेथड दे रखे एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो एस्टिमेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के थ्रू पॉवर्टी जो है वो एस्टिमेट की जाती है। अच्छे से याद रखना है ये जो कॉन्सेप्ट जो है पॉवर्टी का वो लेकर आए हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव
पॉवर्टी, तो देखते हैं इसमें क्या है। हमने पॉवर्टी का मीनिंग समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब हम समझते हैं कौन कौन से टाइप्स की पॉवर्टी है, कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं। ऐसे पीपल जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी सेटिंग्स जैसे कि फूड, ड्रिंक्स, पर्सनल्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाते हैं एट द लोवेस्ट मार्केट रेट, उन्हें हम एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे। कम से कम दाम में भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फूड की रिक्वायरमेंट को, उन्हें हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव पुअर का कॉन्सेप्ट। देखिए आपको क्या दिया गया है, अ सोसाइटी हैज अ डिफरेंट इनकम ग्रुप। एक सोसाइटी जो है वहां पर अलग अलग इनकम के ग्रुप होते हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। तो यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग इनकम लेवल के ग्रुप रहते हैं। सम ग्रुप्स हैव लो इनकम, किसी ग्रुप की बहुत कम इनकम होती है इन कंपैरिजन टू अदर। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के, इसकी इनकम ज्यादा है, इसकी इनकम कम है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पुअर। तो इसको हम एग्जाम्पल से एकदम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रुप कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो कंपैरिजन मेथड जो है वो होता है रिलेटिव पुअर। जैसे कि तीन पर्सन है, तीन ग्रुप है, ए बी एंड सी। पर्सन ए की बात करें तो उसकी है 10,000, बी की बात करें तो 20,000 एंड पर्सन सी की बात करें तो 30,000। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें ए बी सी का, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ए जो है वो रिलेटिव पुअर है। अगर हम कंपेयर करें बी और सी की इनकम, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बी की इनकम कम है, तो इसीलिए बी जो है वो रिलेटिव पुअर है। और अगर हम ए और सी की बात करें तो यहाँ पर ए की इनकम जो है वो कम है, इसीलिए कंपैरिजन के थ्रू हमें पता चला कि ए जो है वो रिलेटिव पुअर है। आई होप आपको इस तरीके से कंप्लीट हो गया हो। तो दो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी दे रखे हैं हमें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में देखा जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट की फैसिलिटीज भी पूरी नहीं कर पाता है उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर, और रिलेटिव पॉवर्टी में हमने कंपैरिजन किया अलग अलग इनकम लेवल ग्रुप का, तो वो हो गया रिलेटिव पुअर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो की है पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पे हम अलग अलग डेटा के बारे में भी बात करेंगे, तो देखते हैं क्या है पॉवर्टी इन इंडिया। सबसे पहला इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बताने वाला हूँ। प्लानिंग कमीशन जो है 2011 और 12 की बात करें तो उन्होंने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो रूरल का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो दिखाया। वहां पर हमने देखा कि एक पर्सन जो है खर्चे के हिसाब से, हमने ये चीज पहले ही देख ली थी, फैमिली ऑफ फाइव मेंबर्स जो है रूरल एरिया की बात करें तो अगर पर पर्सन जो है वो 816 अफोर्ड कर पा रहा है, और हमने देखा कि फैमिली में 5 मेंबर्स है इनटू 5 करें तो 4080 पर फैमिली एक्सपेंडिचर का उन्होंने लिमिट सेट कर दिया। अगर 4080 से खर्चा कम है तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, और अगर ज्यादा है तो वो अबव द पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। अब हम अर्बन एरिया की बात करें तो उन्होंने सेट किया है, प्लानिंग कमीशन ने, ₹1000 पर मेंबर इनटू 5 is equal to 5,000। तो इस तरीके से रूरल और अर्बन एरिया के में डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया, ये जो नया क्राइटेरिया जो था पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का, पुअर जो है जब एस्टिमेट आया तो हमें ये पता चला कि पुअर जो है 2011-12 के डेटा की बात करें वो रिड्यूस हो गया 27 करोड़ से, और अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 21.9%। और हम 9 और 10 की डेटा की बात करें तो पॉवर्टी इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 29.8% टर्म में बात करें, और नंबर के टर्म्स में बात करें तो 35.47 करोड़ जो है वो पुअर पीपल, ये डेटा जो है हमें दे रखा है 2009 और 10 का। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, मींस हमें कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज के साथ भी करना है तो हमें डॉलर में हमारी जो भी एस्टिमेशन आए हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। जो हमारा रुपीज है, इंडियन रुपीज है, उस पीसीआई को हमने वर्ल्ड बैंक ने डॉलर में कन्वर्ट किया ताकि के इक्वालिटी बनी रहे, और उससे ये पता चला, वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया कि एक पर कैपिटा इनकम इन डॉलर की हम बात करें तो वो होनी चाहिए 1.90 यूएस डॉलर। अगर उससे कम है 1.90 यूएस डॉलर से तो वो बिलो द पॉवर्टी होगा, और उससे ज्यादा है तो अबव द पॉवर्टी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जहां पर रुपीज को कन्वर्ट किया गया डॉलर में ताकि के इक्वालिटी रहे। अब हम देखते हैं पॉवर्टी एज पर द वर्ल्ड बैंक। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन जो थी 2010 की बात करें तो वो थी 121 करोड़।
तो इसमें हम पूरी पॉपुलेशन में से अगर हम परसेंटेज टर्म की बात करें तो 32.7% जो थे वो पुअर थे, बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते थे, और नंबर की बात करें तो 45.6 करोड़ पीपल जो है वो पुअर थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी फिगर्स एज पर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं एकदम एक यूएनडीपी ने रिपोर्ट बनाई पॉवर्टी के एस्टिमेशन पर 2015 में, और यहाँ पे हमें ये पता चला परसेंटेज की बात करें तो रेशियो ऑफ पॉवर्टी जो है वो 21.92% था, और रूरल एरिया में 25.7% और अर्बन एरियाज में 13.7%। वैसे ही अगर हम नंबर्स की बात करें, इन नंबर्स टोटल पुअर थे 26.93, रूरल एरियाज में 21.65 करोड़ एंड अर्बन एरियाज में 5.28 करोड़। तो ये था यूएनडीपी की रिपोर्ट का एस्टिमेट। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इंडिया की, तो हमें ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको इसी तरीके से याद करना है, सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट जो है वो है छत्तीसगढ़, और इसका परसेंटेज जो है वो है 36.93। देखो 36 मीन 36, तो इसीलिए इसी तरीके से हमें डेटा याद रखना है 36.93%, और सबसे पुअरेस्ट स्टेट जो है वो कौन है, कौन सा है, छत्तीसगढ़। अब हम लोवेस्ट पॉवर्टी की बात करें तो गोवा में सबसे कम पुअर पीपल पाए जाते हैं, दिस इज 5.09%, और गुजरात की, हम पर्टिकुलरली गुजरात की बात करें तो 16.67% है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐसी स्टेट्स जहां पर पॉवर्टी जो है वो 30% से ज्यादा है, तो आपको एकदम इजीली MACJOB पैट जॉब की तरह से याद रखना है। ये ऐसे स्टेट्स जहां पर पॉवर्टी जो है वो 30% से ज्यादा है, छत्तीसगढ़, आसाम। तो इसका मैंने एकदम शॉर्ट में आपको लर्निंग ट्रिक बता दी है MACJOB, इस तरीके से ये जो स्टेट्स है जहां पर 30% से ज्यादा पॉवर्टी है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं पुअर पीपल लिव इन रिच इंडिया। ये हमें गिव रीजंस में काफी बार बोला जाता है। देखो आयरनी समझिए, हमारे इंडिया को रिच कहा गया है और उसी के साथ साथ कहा गया है कि रिच इंडिया में पुअर पीपल रहते हैं, तो ये हमें गिव रीजन में काफी बार पूछे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए रीजन हमें क्या है। सबसे पहला, इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लार्ज क्वांटिटी में है, बहुत सारे रॉ मटेरियल है, लेकिन इंडिया में, ये अच्छे से याद रखना है, इंडिया में रिसोर्सेस तो है लेकिन इसको किस तरीके से यूज किया जाए उसकी एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स है, और लैक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग है। इन सब की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पाते। नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू देयर पॉसिबल एक्सटेंट। हम पूरी तरीके से हमारे ही रिसोर्सेज को बिकॉज ऑफ दिस रीजन लैक जो है वो यूज नहीं कर पाते। इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन ये कहा जाता है पुअर पीपल लिव इन रिच इंडिया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अर्बन एंड रूरल पीपल के बारे में, जहां पर पुअर जो है वो कौन कौन है। अर्बन की बात करें तो शहर, और रूरल की बात करें तो गांव वाले एरिया। तो सबसे पहला रूरल की बात करें तो लैंडलेस और फार्म लेबरर्स जो है वो रूरल एरियाज में होते हैं, आर्टिशंस, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो होते हैं वो रूरल पुअर कहलाते हैं। मार्जिनल मतलब जिनकी मीडियम इनकम होती है, मार्जिनल मीडियम फार्मर्स, बेगर्स और इनहेबिटेंट जो कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स में रहते हैं, ट्राइबल मीन आदिवासी पीपल, टेम्पररी क्राफ्टमैन जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, ये सब इंक्लूडेड है रूरल पीपल में। अब हम देखते हैं अर्बन पुअर पीपल के बारे में, जो भी टेम्पररी लेबरर्स हैं जिनकी डेली वेजेस इनकम जो है वो हो रही है, डेली वेजेस लेबरर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे घर में काम करते हैं, टी स्टॉल पे काम करने वाले, होटल गैरेज के वर्कर्स जो है वो अर्बन पुअर्स में आते हैं, और बेगर जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पाता है, और पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये सब जो है वो इंक्लूडेड है अर्बन पुअर में। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रीजंस ऑफ पॉवर्टी और रीजंस ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो इंडिया में इतने लेवल पर क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है जो एग्रीकल्चरल एंड इरीगेशन फैसिलिटीज जो है वो इंडिया में इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए जो फार्मर्स है उनकी इनकम जो है वो काफी ज्यादा कम होती है, और यहाँ पर जो फार्मर्स जो है या जो विलेजर्स जो है उन्हें कोई दूसरी एग्रीकल्चर के अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिल पाती है, बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं होते, तो ओनली ऑप्शन जो है वो फार्मिंग ही रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके पास, बिकॉज वो विलेजेस में रहते हैं,
उनके पास पैसा नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द अदर एम्प्लॉयमेंट, उनके पास नॉलेज ही नहीं रहती है कि वो दूसरे में भी, दूसरे फील्ड में भी नॉलेज या करियर जो है वो बना सकते हैं. एजुकेशन नहीं है उनके पास, स्किल्स और ट्रेनिंग जो है वो रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं गेन कर पाते हैं. कास्ट सिस्टम की बात करें, ऑर्थोडॉक्सी की बात करें, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब हो गया पुराने ख्यालात वाले जो भी है, पुराने जो सिस्टम चल रहे हैं, ट्रेडिशन और कस्टम जो है, उन सब रीजन की वजह से अंडर अ हैवी डेट. डेट का मतलब होता है बोरोड अमाउंट. जो फार्मर्स जो है वो लोन लेते हैं और इसकी वजह से वो उसे पे नहीं कर पाते हैं और वो कर्ज में फंस जाते हैं. नेक्स्ट आपको दे रखा है ड्यू टू इलिटरेसी. अ पुअर पीपल जो है उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता है तो वो जनरली इलिटरेट रहता है और वो बन जाता है शिकार किसका, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस का. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हम बोल सकते हैं चीटिंग उनके साथ हो सकती है बिकॉज उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है. Along with that, they are not able to get proper benefit of the government scheme. उनको government की बहुत सारी scheme जो कि उनके लिए benefit के लिए होती है वो उन्हें पता ही नहीं होता, उनकी knowledge ही नहीं होती, तो वो इसका फायदा जो है वो नहीं उठा पाते. Next हम देखते हैं government और administrator की बात करें तो वो पूरी तरीके से जब भी policies बनाते हैं तो उनका अच्छा या उनके welfare के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं. ये जो पुअर पीपल जो है, इवन इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा थी गवर्नमेंट बना देती है फिर भी उन्हें इतना फायदा नहीं होता है और वो पुअर ही रहते हैं. नेक्स्ट देखिए प्रोडक्शन. गवर्नमेंट जो है उन्होंने फोकस किया है प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैश क्रॉप. कैश क्रॉप जिसको बेचा जाता है आउट ऑफ इंडिया भी और इंडिया में भी, तो उन्होंने फोकस किया कैश क्रॉप पे व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप. एडिबल जो खाने लायक जो क्रॉप होते हैं जो खाते हैं हम, उसका प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स में काफी ज्यादा कमी आ गई या स्कैर्सिटी हो गई और प्राइस राइज भी बढ़ गया, बिकॉज ऑफ विच पीपल जो है उनको खाना भी नहीं मिल पाता है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वहां पर रूरल इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई. बिकॉज जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे तो गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया था. कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से वो ब्रोक डाउन हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, कोई भी इनकम नहीं थी. अब बिकॉज लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी तो वो रूरल एरिया से माइग्रेट करने लगे अर्बन एरियाज में, और माइग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और इनकम जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफी ज्यादा कम हो गई, डिक्रीज हो गई. पुअर पीपल जो है वो आसानी से विक्टिम्स बन जाते हैं माल न्यूट्रिशन और डिजीजेस का, बिकॉज ना तो उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशनल फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ना उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट मिल पाता है, तो इसीलिए वो आसानी से उसका शिकार या विक्टिम जो है वो बन जाते हैं. और एक्सपेंडिचर जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेडिकल में काफी ज्यादा बढ़ गया है और उनकी इनकम जो है वो इतनी हो नहीं पाती है. ऑल्दो इनकम वाज स्टैटिक, इनकम जो है वो उनकी लो है या सेम ही है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा मेडिसिन में बढ़ गया और उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है. ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, अ पुअर पीपल जो है उनको टेक्नोलॉजी जो है उनके उनको एडवांस बनाने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है, वो पुराने बिजनेस में ही लगे रहते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरीके से डिग्रेड या डिस्ट्रॉय हो गई है और बिकॉज उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ पर ये जो है उनके बिजनेसेस जो है वो चल नहीं पाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है. तो आई होप आपको ये रीजंस जो है वो क्लियर हो गए. शॉर्ट में हम देखें तो सबसे पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर और इरीगेशन फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं थी, फार्मिंग इनकम जो है वो कम हो गई थी, तो ये सारे आपको लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, दूसरी जगह उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन उन्होंने ज्यादा कर दिया, एडिबल का उन्होंने कम कर दिया और इसकी वजह से स्कैर्सिटी ऑफ फूड वेस्ट जो हो गई. अब एजुकेशन की बात करें तो उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, एजुकेशन उनके पास नहीं होती, वो इलिटरेट होते हैं, उनके पास स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं होती और इसलिए आसानी से वो विक्टिम बन जाते हैं फ्रॉड का, एक्सप्लॉयटेशन का. और ड्यू टू इलिटरेसी वही चीज निकली गई है, एक्सप्लॉयटेशन का वो विक्टिम बनते हैं और उनके साथ इंजस्टिस के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट हम गवर्नमेंट रिलेटेड बात करें तो जब भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उनमें पुअर पीपल के लिए प्रॉपर बेनिफिट जो है वो उन्हें नहीं देती है. गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पूरी तरीके से जब भी पॉलिसीज बनाते हैं तो वो पुअर पीपल के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज जो है वो नहीं बनाते. माल न्यूट्रिशन और डिजीज की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसिस जो है वो बढ़ चुका है, इसीलिए वो खर्चे को अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाते हैं. और दूसरी बात करें तो कल्चर ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से
वो डेट में काफी ज्यादा कर्जे में वो फंस जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो बोरो करना पड़ता है, वो पे नहीं कर पाते हैं। और दूसरे रीजन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस के कारण वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं एम्प्लॉय है वो पूरी तरीके से लॉस में चले जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये थे रीजन हमारे शॉर्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। एरेडिकेशन का मतलब होता है रिमूवल, तो स्ट्रेटेजी फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अब हमने देखा कि इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी, अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करी जिससे कि पॉवर्टी जो है वो कम हो या पॉवर्टी रिमूव या एरेडिकेट हो। तो सबसे पहला हमें सिर्फ इतने ही पॉइंट करने हैं इसमें, ए बी एंड सी। तो देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने किसे ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन इंपॉर्टेंस दिया, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हेवी एंड की इंडस्ट्रीज अलोंग विद द स्लोगन गरीबी हटाओ। अब जब भी पॉलिसीज आए तो गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हेवी और की इंडस्ट्रीज को, और वो स्लोगन लेकर आए गरीबी हटाओ। ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब वो ग्रीन रेवोल्यूशन की ऑब्जेक्टिव के बारे में भी कि हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है और उसके लिए वो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी लेकर आए, सो दैट डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो उनकी पॉवर्टी जो है वो कम होगी। नेक्स्ट, इट इज बिलीव दैट एज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जैसे जैसे ऐसा माना जाता है, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रीज का होगा, बेनिफिट्स होंगे, तो ओनर जो है इनके मालिक जो है इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग होगी, और वो प्रॉफिट अर्निंग से जो काम कर रहे लेबर्स को उनको वेजेस जो है वो देंगे या वेजेस जो है वो बढ़ाएंगे, और जब वेजेस बढ़ेगी तो उनकी पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इतना ही करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट में क्या दे रखा है। गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, हमें ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल को हमारे इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय करना है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें, लैंड रिफॉर्म एक्टिविटीज लेकर आया वो, और प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने की वजह से पॉवर्टी जो है वो कम होगी। और इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है उसका उसको एनकरेजमेंट मिला, और जब ज्यादा उसे प्रॉफिट होगा तो इनकम जो है जो ओनर जो है वो अलग अलग पर्सन पुअर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या दे रखा है। हमारे सोसाइटी में इनकम की डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी बहुत है, वो पुअर जो है वो पुअर बनता जा रहा है और रिच इज बिकमिंग रिच। तो इसीलिए इस डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्रेम किया या डिजाइन करी इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी जिससे कि बेनिफिट हो पुअर को, सो दैट पुअर में कॉमोडिटीज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। इस तरह की पॉलिसीज बने जिससे कि पुअर पीपल को एसेंशियल कॉमोडिटीज जो है वो मिले और प्रोडक्शन जो है वो उसका बढ़ाया गया। और इस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए वो एक स्कीम लेकर आए, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आए, जहां पर उन्होंने फेयर प्राइस शॉप्स का एस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि हम राशन की दुकान बोलते जहां पर उन्हें सस्ते में फूड मिल रहा है, तो वो लेकर आए। By doing so, उन्होंने पुअर पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का कोशिश किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, दस गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ट्राई किया, देयर शुड बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द लग्जरियस आइटम, जो चीजों की जरूरत है ही नहीं उसका प्रोडक्शन जो है वो कम करिए, जो रिच जो है वो यूज करते हैं, और जो एक्चुअल में पुअर पीपल को नीड है उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करी। तो देखिए आपको शॉर्ट में किस तरीके से लिखा है, रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, गवर्नमेंट ने ट्राई किया फार्मिंग, ऐसी फ्रेमिंग करी टैक्सेशन पॉलिसी के जिससे कि बेनिफिट हो पुअर को, और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स लेकर आए, उसके अंदर वो फेयर प्राइस ऑफ या राशन की दुकानें का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और जो प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम जो था उसका डिक्रीज उन्होंने किया, और जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड कॉमोडिटीज है उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए, जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, अलग अलग लॉज जो है वो लेकर आए ताकि के फार्मर्स को भी फायदा हो और उनकी इनकम जो है वो, सो दैट देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द रिच फार्मर्स और लैंड लॉर्ड्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्म टेनेंट, जिससे कि टेनेंट जो है वो भी बढ़े और लैंड लॉर्ड्स भी बढ़े, सो दैट देयर मे बी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पुअर। ये स्टेप तो उन्होंने इसीलिए लिया ताकि के इंप्रूवमेंट हो पुअर का।
अब हम देखते हैं यही शॉर्ट में दे रखा है नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आए जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट और रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को हटाने के लिए पॉलिसीज वो लेकर आए जैसे कि ये देखो आपको शॉर्ट में दिखना है अनाउंस करी पॉलिसी जिससे कि वो इंप्रूव कर सके कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग का मतलब हो गया जो भी गाय भैंस बकरी होते हैं उनका रेयर करना, डेयरी इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करना, फिशिकल्चर मींस फिश का प्रोडक्शन जो है वो फिशिकल्चर कहा जाता है, और अफॉरेस्टेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया उन्होंने और इसकी वजह से इट हेल्प इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स। नए नए स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स भी वो लेकर आए। हाउस इंडस्ट्रीज की बात करें कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एनकरेजमेंट दिया गया और पीपल को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां पर मशीन से गुड्स नहीं बनाए जाते हैं, गुड्स बनाए जाते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ द लेबर। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि ओनली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ताकि के लोगों को वहां पर जॉब मिल सके और उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट भी किए फॉर मेनी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सो दैट देयर इज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, घर पे ही काम को कर सके और उनको नौकरी जो है वो मिल जाए। इट हैज मेड अरेंजमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी अरेंजमेंट किया कि वो देखने के लिए कि यूथ जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं बल्कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले। फॉर दिस पर्पज उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां के यूथ को एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों को ट्रेनिंग देने लगे वो और गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चालू किए ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो उन्हें स्किल्स और ट्रेनिंग देने लगे। फॉर दिस पर्पज नए फील्ड ऑफ नए नए करियर ऑप्शन जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन करी गई ताकि के उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो बदला है किससे रिलेटेड। देखो आपको यहाँ पर दिल्ली रखा है एजुकेशन हेल्थ रेसिडेंस इरिगेशन रोड और स्किल्स से रिलेटेड जो है उन्होंने काफी ज्यादा सिस्टम जो है वो बदला है, उन्होंने इम्प्रूव किया है इरिगेशन फैसिलिटीज रोड स्किल्स सब टाइप ऑफ स्टेप्स जो है वो लिए गए ताकि रूरल पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़े। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है बढ़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट फील्ड जो है एम्प्लॉयमेंट किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई कि उन्हें घर पे ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल जाए सो दैट यूथ जो है वो अपने घर पर रूरल एरियाज में रहकर ही उनकी इनकम हो और उसकी वजह से अगर इनकम नहीं है तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, तो अगर गाँव में ही इनकम उन्हें हो जाए तो वो माइग्रेट जो है वो ना करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है, इट हैज स्टार्टेड स्कूल एट द विलेज इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, उन्होंने ओपन करी क्लोज डिस्टेंस में ताकि के बच्चे जो है वहीं पर पढ़ें और बाय स्टार्टिंग फॉर कॉलेजेस एट द डिस्टेंस फैसिलिटी, उन्होंने कॉलेजेस भी और यूनिवर्सिटीज भी चालू करी ताकि के वो उन्हें टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी दे सके। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए हैं ताकि के वो फाइट कर सके, कॉम्बेट का मतलब होता है फाइट कर सके जो भी पॉवर्टी है उसको मिटाने के लिए। इंडिया विल हैव टू टेक द फॉर्म, अभी भी इतने सारे स्टेप्स के बाद भी पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज नहीं हुई है, इसीलिए इंडिया को बहुत ही कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि हम हमारे पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए, एरेडिकेट या रिमूव कर पाए। और हमारा मिशन है वर्ल्ड बैंक का रिगार्डिंग एरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, पूरी तरीके से पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाए बाय 2030। तो ये था हमारा टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजीज दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पॉवर्टी रिमूवल और एरेडिकेशन। तो अब हम देखते हैं स्कीम जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम देखते हैं स्कीम्स गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स लेकर आए जिससे कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं, कृषि मीन्स फार्मर, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन और योजना मीन्स स्कीम। तो प्रधानमंत्री एक स्कीम लेकर आए जिसका नाम ही हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये पूरी स्कीम जो है वो रिलेटेड है इरिगेशन से। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान की बात करें तो ये जो प्लान है उसमें ये बताया गया कि हमने हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ानी है, प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाना है, उससे रिलेटेड सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना है और बिकॉज ये रिलेटेड है इरिगेशन से सिंचाई से इसीलिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट
इरिगेशन जो है इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि एवरी पार्ट ऑफ द फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटीज हो ताकि के सबको पानी मिल सके, जो भी क्रॉप जो है वो किए हैं, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो यूज करना चाहिए ताकि के हम इरिगेशन फैसिलिटीज का अच्छे से यूज कर पाए। ये स्टेप जो है वो लिए गए हैं ताकि के फार्मर जो है वो बच सके एग्रीकल्चर से, और उनकी इनकम ना वो बोरो इनकम हो और वो बोरो अमाउंट जो है वो लोन जो है वो नहीं ले सके, तो इसी उनकी इनकम बढ़े और वो डेट जो है उनका कम हो, वो फ्री हो सके जो भी पीछे सर्कल है पॉवर्टी का, बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले फार्मिंग एक्टिविटीज में और उनकी इनकम जो है वो पूरी तरीके से बढ़ जाए। तो ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको अगर हमें शॉर्ट में करना है तो सबसे पहला यही दे रखा है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को बढ़ाना है एज पर एग्रीकल्चरल प्लान, इरीगेशन फैसिलिटी किस तरह की करनी है कि वो पूरे फील्ड तक पहुंचे पानी, और इसके लिए वो हमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को यूज करना है, और ये स्टेप जो है वो इसीलिए लिए गए ताकि के फार्मर जो है वो बच पाए डेट से या जो भी उनके ऊपर कर्जा है और उनकी इनकम जो है वो बढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लान, दैट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस ऑफ, बिकॉज क्रॉप जो है वो बारिश आने की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनके लिए वो इंश्योरेंस की फैसिलिटीज जो है वो लेकर आए। बाय इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान से फार्मर जो है उन्हें काफी ज्यादा मदद मिली एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, जो भी अचानक से बारिश हो जाना, अचानक से हेल स्टॉर्म हो जाना, ओले गिरना, तो ये सब की वजह से फ्लड आ गया है, तो उन सब की वजह से अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज चालू करी है इंश्योरेंस की, जिससे कि क्रॉप अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस के थ्रू उन्हें पैसा जो है जो भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है वो मिल जाए और उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो मिले। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ द कॉटन, जब भी कॉटन परचेज करे तो वो उसका एक्स्ट्रा मनी देंगे, बोनस एक्स्ट्रा मनी देंगे, और अगर उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है या डैमेज हो गया है तो वो उन्हें डिस्काउंट भी या कंसेशन या बेनिफिट भी देंगे। और श्रुति मुख कृषि भाव पंच जो है वो बनाया गया ताकि के प्राइसेस में स्टेबिलिटी या बैलेंस जो है वो लेकर आ सके। तो ये देखिए एकदम शॉर्ट में अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान की बात हो रही है, सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान को लेकर है फॉर सेफ्टी, ताकि के फार्मर्स जो है बच सके नेचुरल कैलेमिटी से, इन केस फार्मर्स अगर उनके क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें इंश्योरेंस की पॉलिसी देती है और गवर्नमेंट उन्हें बोनस देती है एट टाइम ऑफ परचेस ऑफ कॉटन और कंसेशन भी देती है, और फार्मर्स के बेनिफिट के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया श्रुति मुख कृषि भवन पंच, ताकि के वो प्राइसेस जो है वो बैलेंस रहे, वो स्टेबलाइज रहे। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो बिकॉज स्कीम का नाम ही ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, तो दिस इज रिलेटेड टू वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है, प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड। अगर हमें फार्मिंग करनी है तो हर फील्ड में पानी पहुंचना चाहिए, कैनाल वर्क जो है नहर का वर्क जो है उसको इम्प्रूव करना है, जो पहले से ही नहर जो टूट गई है या वॉट एवर द रीजन है जिससे डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको फिर से इम्प्रूव करना है, फिर से कंस्ट्रक्ट करना है, सॉइल इरोजन को स्टॉप करना है ताकि ये पानी जो है वो रुके ना, वो सारे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। अब अगर हमें ये सब कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सब जब हम रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेंगे तो यहाँ पर हम उन्हीं रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉय कर देंगे, तो इसकी वजह से वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और उस तरीके से वो भी सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकल जाएंगे। वी से सर्कल ऑफ पॉवर्टी मीन जो वो पॉवर्टी में रहते हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते तो उसे बोलते हैं वी से सर्कल ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फाइनेंस एट द लो रेट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर मदद की है लोगों की, वो फाइनेंस या लोन जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं फॉर खरीफ क्रॉप के खरीदी में, कैटल रेयरिंग एंड ऑल्सो टेकन सॉलिड स्टेप्स इन इरीगेशन। उन्होंने सॉलिड स्टेप्स भी लिए इरीगेशन एक्टिविटीज में, स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गुजरात गवर्नमेंट। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, गुजरात के गवर्नमेंट की। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम लिए हैं जिससे कि पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए, एलिवेशन मींस रिड्यूस या कम हो जाए सिंस लास्ट 10 इयर्स। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पॉवर्टी वेलफेयर फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, प्रोग्राम रखती है ताकि के वो फार्मर्स को सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ अपने पाओं पर वो खड़े हो पाए, इस तरह के वो फेयर रखती है जहां पर उन्हें मदद
की जाती है। तो देखिए आपको एकदम शॉर्ट में कैसे याद रखना है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनल, स्टॉप सॉइल इरोजन, और ये सारे काम के लिए हम उन्हीं विलेजर्स को लगाएंगे तो इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लोन जो है वो प्रोवाइड करती है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि के वो खरीद सके खरीफ क्रॉप और कैटल रेयरिंग के लिए भी वो परचेसिंग कर सके। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत ही सॉलिड स्टेप लिए हैं इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, और गुजरात गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जहां पे फार्मर्स जो है वो सेल्फ रिलायंट जो है वो हो सके और पॉवर्टी जो है उनकी कम हो सके। दिस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, नेशनल ई मार्केट और ई नाम, ठीक है, NAM। ई यहाँ पर स्टैंड होता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो जो ऑनलाइन परचेसिंग या सेल है, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट जो ऑनलाइन रख सकते हैं वेब पोर्टल में, तो ये स्कीम जो है वो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम है। देखते हैं क्या लिखा गया है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ वेब पोर्टल, वेब पोर्टल मीन्स एक वेबसाइट वो लेकर आए जिसका नाम है नेशनल ई मार्केट, और इसको हम बोलेंगे ई नाम, नेशनल एंड मार्केट। ओके, नेशनल ई मार्केट जो है वो पूरे नेशनल लेवल पर हमारे पूरे इंडिया में ऑनलाइन मार्केट है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट, अंडर दिस एग्रीकल्चरल मार्केट हैज बीन सेट अप, इसके अंदर एग्रीकल्चरल मार्केट जो है वो बनाए गए, वेब पेजेस बनाए गए फॉर द फार्मर्स, जहां पर फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको लिस्ट कर सकते हैं, उस लिस्ट जो भी उन्होंने लिस्ट किया है उनका ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो अगर सूरत में तो सूरत ही लिमिटेड रहेगा, वो पूरे नेशन वाइड इंडिया में जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि वो घर बैठे बैठे ही कमाई कर सके और उनके इज टू सेव फार्मर्स फ्रॉम द लॉस, जो भी लॉसेस जो हुए हैं ड्यू टू मीडिएट, जो भी एजेंट्स होते, देखो आपको यहाँ पर मीडिएटर्स और ब्रोकर्स का एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहला ये फार्मर्स की बात करें, फार्मर जो है वो फर्स्ट एजेंट को बेचता है, वो थोड़ा रुपए और ऐड कर देता है, एजेंट टू को बेचता है वो और ऐड कर देता है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को बहुत ही महंगा क्रॉप जो है वो पड़ता है। तो ये सारा, ये जो एजेंट वन और एजेंट टू जो है, जो फार्मर्स को लॉस हो रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ ई नाम, बिकॉज डायरेक्टली परचेज एंड सेलिंग होगी और उन्हें ज्यादा रेम्यूनरेशन या मनी मिलेगा और उन्हें ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, तो इसीलिए हमें एकदम अच्छे से इसको याद करना है। तो ये देखिए एकदम शॉर्ट में हम बात करें तो ये नेशनल ई मार्केट है, ई नाम, और वेब पोर्टल है ये एक नेशनल ऑनलाइन, इसके अंदर नेशनल ऑनलाइन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केट सेटअप किया गया जहां पर फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडर्स जो है जिन्हें खरीदना है वो उन्हें बिड कर सकते हैं या प्राइसेस जो है वो ऑफर कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, जो भी फार्मर्स को एजेंट्स, ब्रोकर्स या मीडिएटर के थ्रू लॉस हो रहा है वो कम हो जाए और डायरेक्टली बेनिफिट जो है या प्रॉफिट जो है वो फार्मर्स को ही मिले। तो ये था नेशनल ई मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कि हमें टेक्स्ट बुक के पीछे भी दे रखा है, फ्रॉम ग्राम उदय टू भारत उदय। तो हम देखते हैं चार पॉइंट्स इसमें हमें अच्छे से याद रखने, ए बी सी एंड डी। आपको मैं शॉर्ट में ही डायरेक्ट बताता हूँ, सबसे पहला देखो आपको क्या दे रखा है, थ्रू सच प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान, यहाँ पर ये स्पेसिफिकली फार्मर से रिलेटेड, फार्मर ओरिएंटेड मीन फार्मर से रिलेटेड प्लान है, जहां पर जो भी लॉस फार्मर्स को हो रहा है ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स, कभी कभी क्या होता है फॉरेस्ट से जो एनिमल्स होते हैं बिकॉज दे आर हंग्री वो इनके फील्ड में चले जाते हैं और इनकी क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जो क्रॉप फार्मर्स के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक या पैसों की मदद करती है, और पैसों की मदद किस में करती है, बाय बिल्डिंग अ फेंस, आसपास के फार्म फील्ड एरिया में वो बाउंड्री जो है वो बनाएगी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रास एट द टाइम ऑफ द ग्रासेस, और ज्यादा ग्रासेस जो है वो ग्रो करे, एंड टू हेल्प कंस्ट्रक्ट द कैटल शेल्टर, कैटल शेल्टर में भी मदद करे, रेन फोरकास्टिंग एंड डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजंस थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू या ड्रोन टेक्निक्स के थ्रू। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, देखो आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो देखते क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर फार्मर्स के क्रॉप जो भी वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है, उन्हें पैसा देती है टू बिल्ड द फेंस। देखो आपको ये चीज दे रखी है फेंसेस जो है कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल जो है वो ना आ सके। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ग्रासेस के लिए मदद करती है, कैटल शेल्टर के लिए। और फिफ्थ पॉइंट जो है, ए पॉइंट का फिफ्थ भी, रेन फोरकास्टिंग में वो मदद करती है, कब ज्यादा बारिश होगी कब कम बारिश होगी, उस हिसाब से फार्मर्स जो है वो अपना क्रॉप ग्रो कर सके। और सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक्स के थ्रू मिनरल रिच रीजन जो है उसको डिस्कवर कर सके। तो आपको इसी तरीके से ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बी पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने देखो क्या क्या है, प्रोविजन जो है वो बनाए हैं ताकि के वो मेंटेन कर सके लैंड रिकॉर्ड्स। तो अच्छे से याद रखना है, वो लैंड का सर्वे करेगी, एस्टिमेट करेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन का कितना बीघा जमीन है, तो यहाँ पे लैंड सर्वे जो है वो रिकॉर्ड जो है वो उसके मेंटेन किए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोन फैसिलिटीज जो है वो लो रेट में प्रोवाइड की गई ताकि के फार्मर्स जो है वो मॉडर्नाइज हो सके, मैकेनाइज कर सके, जो ट्रेडिशनल जो भी वो मेथड यूज कर रहे हैं उससे वो मैकेनाइज या अपग्रेडेड हो सके। तो देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि वो मैकेनाइजेशन ला सके, मशीन के थ्रू वो फार्मिंग जो है वो कर सके, जैसे कि प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर्स ला सके, वो सब्सिडी उन्हें मिलती है, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, फाइनेंसिंग सोसाइटी, सो दैट फार्मर जो है वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल पाए जब फार्मिंग का सीजन नहीं है उसके अलावा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट द सेम टाइम परमानेंट प्रॉपर्टी इज सेटअप इन द रूरल, एक परमानेंट प्रॉपर्टी ही सेटअप कर दी है विलेज में या रूरल एरियाज में। दस सेंट्रल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ट्राई किया है कि फार्मर्स जो है वो कर्जे से या लोन से जो उनके ऊपर बर्डन है उससे वो कहीं ना कहीं निकल पाए और पॉवर्टी के साइकिल से वो निकल पाए। तो ये जो टॉपिक था हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्राम उदय टू भारत उदय, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें याद रखना है चार पॉइंट्स और ए के अंदर ही स्पेसिफिकली मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ज्योति मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थीम जो है वो दी गई है। तो सबसे पहला देखो यही लिखा हुआ है, दिस प्लान जो था वो जो एक एफर्ट था ताकि के वो रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके कोई भी रुकावट के बिना, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, मीन्स कोई भी रुकावट के बिना वो 24 आवर्स और 7 डेज और नाइट जो है पूरे टाइम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके उनके घरों में, उनके फार्म्स में काफी डिस्काउंटेड या सस्ते रेट्स में, ज्यादा उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आए। ले डाउन न्यू लाइन, उन्हें वो और भी हेल्प करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो है उनको ले डाउन या नई इलेक्ट्रिसिटी लाइंस लगाने में भी वो मदद करती है फॉर 18,000 विलेजेस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब सेटिंग अप न्यू इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन, अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें सबस्टेशन भी चाहिएगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घरों तक पहुंचेगी, तो सबस्टेशन बनाने के लिए, एंड हेल्पिंग फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी, उन्हें छूट देगी, वो सब्सिडी देगी टू परचेज द इक्विपमेंट, जो भी टूल्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें चाहिए, सो दैट ताकि के पुअर जो है उन्हें सपोर्ट मिल सके टू इंक्रीज इनकम। सब्सिडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाती है थ्रू सोलार एनर्जी एंड टू परचेज सोलार टेक्निक, सोलर के थ्रू, सन के थ्रू टेक्नोलॉजीज में भी वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है। तो देखिए आपको एकदम शॉर्ट में दे रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन है और ये दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो घर तक पहुंच जा सके, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी 24/7 डे एंड नाइट उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। थर्ड, लेइंग आउट द न्यू लाइंस। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के सबस्टेशन है उनको सेटअप करने में मदद करती है और उन्हें वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट टू परचेज टूल्स, सोलार टूल्स और सोलार इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। तो ये स्पेसिफिकली स्कीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के लिए है और इस स्कीम का नाम है वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु मीन्स वन के बंधु जो कि आदिवासी है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस स्कीम के अंदर आदिवासी वुमेन, यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, वुमेन को प्रोवाइड दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है कैटल से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक मीन्स कैटल से रिलेटेड अंडर कॉम्प्रीहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये एक स्कीम का नाम है, इसको हमें शॉर्ट में याद रखना है, CDDES, CDDES, एकदम इजी, कॉम्प्रीहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके अंदर वुमेन को ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जाती है कि वो किस तरीके से लाइफ स्टॉक जो है उनकी रेयरिंग जो है वो कर सके, और किसे दी जाती है, आदिवासी वुमेन को। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका स्पेसिफिकली। ये देखो आपको यहीं से याद करना है क्रीपर्स, ये जो है वो आपको क्रीपर्स का डायग्राम दे रखा है। तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, दिस स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी ताकि के डेवलपमेंट हो, क्रीपर क्रॉप्स का डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन जो भी सेल्टर्स जो है, जो मंडप जो है वो जो पेविलियंस बनाने हैं उसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग एंड पैकिंग के लिए, और इसके लिए एस्टैब्लिश किए गए समरस हॉस्टल और स्मार्ट आश्रम जो है वो भी एस्टैब्लिश किए गए फॉर आदिवासी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स ऐसी फार्मिंग जहां पर सारे नेचुरल प्रोडक्ट के थ्रू ही फार्मिंग होती है, नेचुरल फर्टिलाइजर के थ्रू, अवॉइडिंग केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पर बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं होता है। तो अब हम समझते हैं गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि वो एनकरेज करे, बढ़ावा दे ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो देखते हैं इन दिस हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाने में, उसकी फीस पे करने में, हेल्पिंग परचेसिंग फार्म प्रोडक्ट्स जो भी उसको खरीदने में, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, उनकी फार्मर्स की एजुकेशन ट्रेनिंग, और फाइनेंस लोन जो है वो लो रेट में गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसी के साथ साथ एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग है, केमिकल का बिल्कुल यूज नहीं होता है, इसलिए साथ ही साथ एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं फार्मर्स का जो खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और ये हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव। तो हमें अच्छे से याद रखना है, हमें पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। सो बिकॉज स्कीम का नाम रोड है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड स्कीम दे रखी है। अंडर दिस यहाँ पर प्लानिंग की गई है रिगार्डिंग वर्क्स रिलेटेड टू रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। विलेज पंचायत जो है वर हेल्प टू कनेक्ट द विलेजेस, अलग अलग विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए जो रोड की फैसिलिटीज जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया हाईवेज के थ्रू, और प्रोग्राम्स बनाए गए जिससे कि कंस्ट्रक्ट कर सके वो टॉयलेट्स, जो भी विलेजेस में टॉयलेट्स या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो दिस इज वेरी इजी। अब हम देखते हैं 10th, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमें डायरेक्टली शॉर्ट नोट भी पूछते हैं। तो देखते हैं माँ अन्नपूर्णा योजना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे इंडियन कल्चर की, तो हमारे इंडियन कल्चर में जो खाने की देवी जो है, जो हमें फूड प्रोवाइड करती है, जो देवी जो है वो है अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, इसीलिए स्कीम का नाम हो गया माँ अन्नपूर्णा योजना। तो अब हम देखते हैं, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट जो है, जो भी एब्सोल्यूट पुअर हैं और पुअर जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उन्हें फूड दिया जाता है 35 kg पर फैमिली। इसी तरीके से आपको याद रखना है गुजरात गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पुअर और पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन को फूड देती है एट 35 kg पर फैमिली, 35 kg जो है वो पर फैमिली देती है एवरी मंथ, और जो एकदम से पुअर है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें वो एब्सोल्युटली फ्री में फूड जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेम है गुजरात गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास जो पुअर जो है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, उन्हें वो एवरी मंथ फ्री नहीं बट लो कॉस्ट में वीट जो है रुपीज 2 per kg प्रोवाइड करती है, और राइस जो है वो 3 per kg जो है वो प्रोवाइड करती है, और स्कीम का बेनिफिट जो है वो लिया है 3.62 करोड़ पीपल ने इसका बेनिफिट जो है वो लिया है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट जो इसी तरीके से याद रखना है, देखो यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो एब्सोल्यूट पुअर है उन्हें फ्री में वो खाना प्रोवाइड करती है, और जो मिडिल क्लास पुअर जो है उन्हें लो रेट में वो खाना प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसी तरीके से हमें याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों का पेट भर सके और वो खुश रह सके। तो माँ अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो यही है कि उनके फेसेस पर हैप्पीनेस आए, और जो पैसा जो है खाने में खर्च करते, अगर महंगा फूड है तो सारा पैसा जो है वो उनका खाने में ही लग जाता है, तो उनका सस्ते में मिलेगा तो पैसा बच पाए, और वो अपनी इनकम जो है वो दूसरी चीजों में कर सके, जो भी पैसा बचता है वो दूसरी चीजों में लगा सके, और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा सके। तो ये था माँ अन्नपूर्णा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना है और इसको इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं, देखो आपको ऑब्जेक्टिव्स एकदम शॉर्ट में दे रखा है, ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पुअर पीपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट,
सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो है वो माइग्रेशन जो है वो रोकना है, विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है तो वो चले जाते हैं अर्बन एरियाज में या सिटीज में। तो इस स्कीम का मेन पर्पज यही था कि विलेज में ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और माइग्रेशन जो है वो रुक जाए। फॉर दिस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड, अब इसको अगर हमें विलेज में फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हमें माइग्रेशन रोकना है, तो इसीलिए गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने क्या किया, गाँव में एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज जो है वो विलेज में ही प्रोवाइड करी ताकि के वो विलेज में ही रहे और इसकी वजह से जो माइग्रेशन जो है वो रुक जाए। दस दे सेट अप अ आइडियल विलेज, आइडियल मीन्स परफेक्ट विलेज जहां से कोई जा ना सके, इंसान नौकरी हो गया फूड की रिक्वायरमेंट सब कुछ जो है वो एक ही विलेज में मिल जाए और माइग्रेशन जो है वो रुक जाए। अब हम देखते हैं मनरेगा प्रोग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या है, हमें फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसी के नाम पर है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी गवर्नमेंट देती है और किन्हें, रूरल पीपल को। तो देखते हैं क्या लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट, इसका स्लोगन जो है वो अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर दे रखा है आपको अवर विलेज अवर वर्क, हमारा ही गांव और हमें ही यहाँ पर काम करना है और हमें पैसे कमाने हैं, तो ये स्लोगन है। और यहाँ पर ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इसका स्लोगन भी अच्छे से याद। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हमें स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, तो देखिए आपको शॉर्ट में भी साथ साथ में देखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, एनहांस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और अडल्ट्स इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाना है, जो कि आसानी से फिजिकल लेबर कर सकते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं है अनस्किल है और वो काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्कीम जो है वो बनाई गई। फॉर दिस पर्पस वन पर्सन को फ्रॉम एवरी फैमिली को गारंटी दी जाती है, एक पर्सन पूरी फैमिली है उसमें से एक पर्सन को गारंटी गवर्नमेंट देती है कि हम आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे साल में देंगे एक ही मेंबर को। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट, और गवर्नमेंट ने कि आप इतना काम करोगे तो आपको पर्टिकुलरली इतना रुपए जो है वो मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट ने वेज रेट जो पगार या सैलरी जो है वो फिक्स कर रखी है। और बिकॉज गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि हम आपको वर्क देंगे, अगर गवर्नमेंट गारंटी को पूरा नहीं कर पाती है, वो काम नहीं दे पाती है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या पेमेंट देती है कि हम जो हमने गारंटी दी थी हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो ये आप पेमेंट जो है वो लीजिए। तो ये था मनरेगा प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, इसका स्लोगन, इसके ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से रिलेटेड हमें टॉपिक्स लिखना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिशन मंगलम। तो ये जो है वो पूरी तरीके से रिलेटेड है वुमेन्स के लिए और लेडीज के लिए। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन को हैव यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज जो कि वीक बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अभी उनको इकट्ठा किया, जो कि लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और उन्होंने ग्रुप बनाया और उन ग्रुप का अलग अलग जिनके पास इनकम नहीं है जो वुमेन जो है वो आकर इकट्ठा होती है, ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप का नाम है सखी मंडल और SHG। ओके, SHG दैट इज सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है वो बनाते। अब वहां पर जब वो ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो उन्हें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि के वो खुद जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सके, खुद जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सके। वो किस तरह की ट्रेनिंग देती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ द साइकिल, वो खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, खुद ही एम्प्लॉयमेंट करे, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे। और जैसे कि क्या क्या काम है, प्रिपेयरिंग पिकल आचार बनाने का काम, इंसेस्टिक अगरबत्ती बनाने का काम जो है वो खुद कर सके, तो इसीलिए ये जो स्कीम जो है वो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए आई है, मिशन मंगलम, सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दत्तोपन तेंगड़ी ब्याज चहे योजना। तो यहाँ पर ये जो है ये एक फेमस पर्सनालिटी जो कि RSS वर्कर्स है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उन्हीं के नाम पर ये स्कीम जो है वो आ गई है। अब हम देखते हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट, अच्छे से याद रखें ये स्कीम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और स्पेसिफिकली किसके लिए, हैंडीक्लूम एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिशन जिनके अंदर क्रिएटिविटी है उनके लिए की गई है। थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट जो है वो ऐसे आर्टिशन को लोन देती है जो कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, जो कि हाथों से चीजें बनाता है, और उन्हें लोन जो है वो काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है ताकि के जो भी क्रिएटिविटी उन्हें बनानी है उसके रॉ मटेरियल्स अगर खरीदने हैं तो वो खरीद सके।
तो ये जो है वो एक पर्सन के नाम पर है, दत्तोपन तेंगड़ी, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ज्योति ग्रामोदय विकास योजना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सब जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद से काम कर सके, जो कि अनएम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, ताकि के उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाए और वो खुद ही इंडस्ट्री सेटअप कर सके, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है उन्हें इकोनॉमिक हेल्प और सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि के वो एस्टेब्लिश कर सके इंडस्ट्रियल प्लांट, लैंड खरीद सके और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी खर्चा है वो भी पे कर सके। तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, ये अच्छे से याद रखना है। अब गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लेकर आई स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, अगर लैंड की जरूरत है तो लैंड, और ऐसी बहुत पैसों की या इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करती है जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो चाहते हैं, उनके पास स्किल है, सब कुछ है, वो इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे यूथ जिनके पास स्किल्स है और वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू वाजपेयी बैंकेबल योजना। तो सबसे पहला हम देखना है ये स्कीम जो है वो किसके लिए, इसी तरीके से हमें शॉर्ट में याद रखना है, ये स्कीम स्पेसिफिकली अर्बन रूरल पीपल, अर्बन और रूरल पीपल के लिए है जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिनकी एज ग्रुप जो है वो 18 टू 65 है, और वो उनको एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही पढ़े हुए हैं। तो ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली इनके लिए है, और स्कीम के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और क्या ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि के वो सेटअप कर सके इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो भी उनके पास स्किल्स है, तो उन्हें मदद देती है, और गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस देती है, फिक्स्ड अमाउंट का लोन देती है, ताकि के वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो हो जाए। तो इसको हमें इसी तरीके से शॉर्ट में याद रखना है। अब हम देखते हैं एग्रो बिजनेस पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी जो कि 2016 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है प्लान। ये क्यों लेकर आए प्लान, ताकि के वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके 10 लाख पीपल को, जहां पर वो सेटअप करेंगे एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, और अलोंग विद हेल्पिंग देम इन एक्सपोर्ट, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने में भी, हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने में भी गवर्नमेंट जो है वो मदद करती है, ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ जाए। तो ये जो टॉपिक जो था, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े यहां से ले पॉवर्टी, तो ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड थे, पॉवर्टी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो अच्छे से याद रखना है ये सारे टॉपिक जो थे वो पॉवर्टी से रिलेटेड है।